हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि जो भी भाई रोटविलर ब्रीड का डॉग या पपी खरीद रहे हैं उनको क्यों बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, वो मैं बताऊंगा वीडियो में। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है, बाकी समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको क्लियरली मैं बता भी दूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलती है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो वीडियो है पूरी बेस्ड है रोटविलर ब्रीड में चल रही मिक्स ब्रीडिंग के ऊपर। जो भाइयों को धोखा मिल रहा है, जो भी रोटविलर खरीद रहे हैं उनको धोखा मिल रहा है इस ब्रीड में। तो दोस्तों, मैं तरीका आपको बताऊंगा इस वीडियो में, कैसे आप एक रोटविलर पपी को प्योरिटी का जज कर सकते हैं, कैसे आप एक मिक्स रोटविलर ब्रीड से बच सकते हैं, है ना। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो दोस्तों 100% मैं कह सकता हूँ अब आपको रोटविलर ब्रीड में कभी भी फेक ब्रीड नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कैसे आप एक मिक्स ब्रीड में और एक प्योर रोटविलर में जज कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं ये रोटविलर पपी प्योर है या नहीं है। पहले तो मैं बता दूं, जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ भाई अब वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में करेंगे बकवास वीडियो थी, बिल्कुल टाइम वेस्ट था, क्या बकवास कर दी, सबको ये बात पता है, तो कुछ ये कमेंट आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर मेरे अभी एक करेंटली में एक सब्सक्राइबर के साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने रोटविलर की फ़ीमेल खरीदी थी, ठीक है, वो बहुत खुश थे जब उन्होंने फ़ीमेल खरीदी, उन्होंने मुँह मांगे दाम दिए ब्रीडर को, लेकिन हुआ कुछ ऐसा, जब 4-5 महीने में उसकी एज हुई, जब क्वालिटी का अच्छा उससे पता चलता है तो उन्हें पता चला कि ये मिक्स ब्रीड है। तो दोस्तों, आप सोचो उनका दिल कितना टूटा होगा, और जो उनके पैसे गए वो भी बिल्कुल वेस्ट गए, क्योंकि ना तो वो प्योर ब्रीड है बल्कि मिक्स ब्रीड है, ना तो इधर का रहे ना उधर के रहे। तो दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता दूं, आपने एक कहानी सुनी होगी शेर चूहे की, क्या कभी शेर ने सोचा था उसको एक चूहे से मदद लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जो भी भाई ये कहते हैं ना टाइम वेस्ट है, बकवास कर दी, सबको पता है, दोस्तों कभी कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, चाहे मैं बता रहा हूँ वीडियो में, चाहे कोई और भाई बता रहा हो, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता, सब आपके नॉलेज के लिए होती है। कभी भी नहीं पता कब क्या सिचुएशन आ जाए, कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों, मैंने तो समझा दे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए हम अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं, कैसे हम एक अच्छे रोटविलर पपी की जज कर सकते हैं कि ये प्योर है या नहीं, ठीक है। कुछ आपको मैं तरीके बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो रोटविलर ब्रीड की जो मिक्स ब्रीड होती है वो सिर्फ डावरमैन के साथ होती है, क्योंकि डावरमैन का कलर ब्लैक एंड टैन होता है, दो कलर में और मिलता है, और जो रोटविलर है सिर्फ ब्लैक एंड टैन कलर में अवेलेबल है। तो इन दोनों की मिक्स ब्रीडिंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पपी निकलता है वो भी ब्लैक एंड टैन से ही निकलता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक रोटविलर पपी को जज करना। तो मैं आपको आज तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों, आपके कुछ तरीके हैं, दो या तीन तरीके हैं जिससे आप एक अच्छे रोटविलर पपी की जज कर सकते हैं। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी मसल साइज़, जो उनका ये होता है ना फेस साइज़, जो उनका पंच फेस होता है, लॉन्ग फेस होता है, उसमें जजमेंट क्या होता है। दोस्तों, रोटविलर और डावरमैन के पप्पी की आपके सामने मैंने एक फ़ोटो दिखा रखी है, दोनों को साइड में कंपैरिजन करके दिखा रखा है। दोस्तों, अब आप इस फोटो में गौर से देखिए, जो रोटविलर का जो फेस है ना वो बहुत ही पंच फेस है, मतलब हेड हेड तो भारी है, गोल मटोल है, लेकिन जो इसकी थूथन है, जो फ्रंट का जो नोज़ का एरिया है वो बहुत लंबा जा रहा है जो डावरमैन का, और दूसरी तरफ रोटविलर का देखोगे तो बहुत ही पंच फेस है। पंच फेस होता क्या है, जो चेहरा दबा हुआ होता है, जो जो उसकी नाक होती है ना वो आँखों से बहुत ही, जो उसका हेड की दूरी है ना, हेड और नोज़ के बीच में दूरी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा पंच फेस माना जाएगा। और दूसरी तरफ आप डावरमैन में देख लीजिए, उसका जो हेड से जो नोज़ की दूरी है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लंबी थूथन होती है रोटविलर उसकी, डावरमैन की, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो रोटविलर का पंच फेस होता है, ठीक है दोस्तों। तो पहली तो आप ऐसे जज कर सकते हो, और सेकेंड है उसका हेड को देख करके। हेड देख के कैसे कर सकते हो दोस्तों, जो डावरमैन का हेड जो होता है ना बहुत ही दुबला पतला होता है और लंबा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो दूसरी तरफ देखेंगे रोटविलर, उसका जो हेड होता है बहुत भारी होता है, गोलमटोल होता है, हैवी हेड होता है उसकी बॉडी के मुकाबले, और जो डावरमैन का होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, इतना हैवी नहीं होता रोटविलर के मुकाबले। तो दोस्तों, आप एक हेड देख करके पता कर सकते हो पपी प्योर है या नहीं। तीसरी, अगर हम प्योरिटी देखें तो दोस्तों, उनके बॉडी स्ट्रक्चर देख करके हम पता कर सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर हमें कैसे देखना है, आपको मैं बता दूं, जो डावरमैन होता है उसका शरीर इतना अच्छा नहीं होता, इतना अच्छा ग्रो नहीं होता, हेल्थी नहीं बनता, बस उसकी लंबाई खिंचती है, बोन साइज थोड़ा अच्छा रहता है। और दूसरी तरफ लें उसको रोटविलर को, तो वो जो होता है उसकी हाइट जो रहती है मीडियम रहती है, लेकिन जो उसका शरीर रहता है ना एकदम भारी भरकम, एकदम मोटा तगड़ा हो जाता है रोटविलर डॉग। तो आप ऐसे जज कर सकते हो, जो भी पपी होगा ना दोस्तों, हमेशा रोटविलर का पपी मोटा तगड़ा होगा, और दूसरी तरफ डावरमैन का जो पपी होगा दोस्तों लंबा होगा, एज के मुकाबले आपको लंबाई उसकी ज़्यादा लगेगी,
और दो की है डाबरमैन का पपी, बहुत ही दुबला पतला होगा, ठीक है, एकदम पतले पतले होंगे। आपने बहुत सी वीडियो भी देखी होंगी डाबरमैन पपी की, आपको फोटो भी मैं दिखा रहा हूँ, बहुत दुबले पतले पपी होंगे। और जो रोटविलर का पपी है वो एकदम भारी होगा, उसका जो हेड होगा बहुत बड़ा होगा उसके बॉडी स्ट्रक्चर के मुकाबले। तो दोस्तों ये कुछ दो तीन टिप्स थी जो कि मैंने आपको बताया, आप ऐसे जज कर सकते हो एक रोटविलर पपी में और एक डाबरमैन पपी में। कलर दोनों का सेम रहेगा, बस आपको उसके बॉडी स्ट्रक्चर देख के, फेस देख के, है ना, उसका पंच फेस देख के आप पता कर सकते हो ये एक प्योर है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, कभी भी दुबला पतला रोटविलर ना लेना, अभी मेरे करेंट में एक सब्सक्राइबर के साथ फ्रॉड हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी भाई इस वीडियो को देख सकें और जो भी भाई एक रोटविलर ब्रीड लेने की सोच रहे हैं वो एक फ्रॉड से बच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।